नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं। वे मेहमान हैं जो मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति विकास एवं वित्त निगम के अध्यक्ष हैं। कैबिनेट मंत्री का दर्जा तो उन्हें प्राप्त है ही, लेकिन उससे बड़ा एक काम पिछले कई दिनों से लगातार वे कर रहे हैं, वह है बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक परिनिर्माण भूमि को महत्वपूर्ण दर्जा देने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप चाहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर की परिनिर्माण भूमि जो दिल्ली में है उसे भी राजघाट की तरह सम्मान दिया जाए, उसके बारे में भी वैसा ही कानून बने और बाबा साहब की भूमि निर्माण भूमि पर भी वैसे ही लोग जाएं जैसे राजघाट पर उसी भावना से जाते हैं। आपका स्वागत है इंद्रेश गजभिये जी। इंद्रेश गजभिये जी, कई वर्षों से बाबा साहब अम्बेडकर की स्मृति को अक्षुण रखने के लिए, स्थायी बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। मुख्य बात यह कि आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, फिलहाल भाजपा से जुड़े हुए हैं, इसके पहले कांग्रेस से जुड़े हैं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा से हटकर आप सामाजिक कार्यकर्ता ज्यादा बड़े हैं। ये बताइए, ये बाबा साहब आम्बेडकर की परिनिर्वाण भूमि को राजघाट जैसा दर्जा मिल जाए इसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, अगर नहीं भी मिले तो बाबा साहब आम्बेडकर तो बाबा साहब, उनकी प्रतिष्ठा को कोई ठेस पहुंचती है? वो तो इतने बड़े आदमी वही है जी, क्या जरूरत आन पड़ी? नहीं, जरूरत इसलिए आन पड़ी कि खासकर बाबा साहब के जीवन से जुड़े चार उनके हमारे स्मृति के महान तीर्थ स्थान की तरह हैं। एक तो दीक्षा भूमि नागपुर है और एक चैत्य भूमि मुंबई। महाराष्ट्र में इनको पूरा सम्मान मिल गया, पूरी प्रसिद्धि हो गई, वहाँ लाखों लाख लोगों के मेले लगते हैं, लेकिन ये उत्तर भारत का थोड़ा दुर्भाग्य रहा कि यहाँ मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू में उनकी जन्मभूमि थी, दिल्ली में उनकी ये परिनिर्वाण स्थली थी, लेकिन ये लोगों की जानकारी में कम थी। हमने महू की जन्मस्थली का आंदोलन हमने 84-85 से शुरू किया, जब वहाँ मिलिट्री के बड़े अधिकारियों ने वहाँ अंबेडकर जी के उस जन्मस्थली के बोर्ड को और एक चबूतरे को बुलडोजर से तोड़ दिया था। तो आज जब हमने देख रहे हैं कि वहाँ एक भव्य स्मारक हमारे आंदोलन के परिणाम स्वरूप आज बन गया और मध्य प्रदेश सरकार ने ना केवल स्मारक बनाया बल्कि वहाँ पर जो तीर्थ यात्री के रूप में हमारे पूरे देश भर से लोग आते हैं उनके लिए लगभग 80,01,00,000 रुपए का खर्च उनके ठहरने खाने पीने व्यवस्था के लिए कर रहे हैं। जो दूसरा तीर्थ स्थान हमारा जो दिल्ली वाला है वो असली में क्या है कि चार दशक की हमारी देश के दलितों की मांग थी कि दिल्ली में बाबा साहब अंबेडकर जहाँ रहते थे, जहाँ उन्होंने भारत का संविधान लिखा, हमारा धर्म ग्रंथ बुद्धा एंड इस धम्मा लिखा, उसको भी एक तीर्थ स्थान की तरह विकसित हो। लेकिन उद्योगपति जिंदल उस बंगले के मालिक थे और इसको केंद्र सरकार को लेना था। चार दशक की मांग के बाद 2003 में जब NDA की सरकार आई और वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हमारी मांग को मंजूर किया और उन्होंने 16 करोड़ रुपए कैबिनेट से मंजूर करके जिंदल जी से वो कोठी खरीदी। भारत सरकार ने उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया, 100 करोड़ रुपए की उसके आगे के डेवलपमेंट की योजना बनी और 2 दिसंबर 2003 को भारत सरकार ने समारोह पूर्वक प्रधानमंत्री जी ने उपस्थित होकर उसे राष्ट्र को समर्पित किया। लेकिन 2004 में जब चुनाव हुआ और कांग्रेस नीत UPA की सरकार सत्ता में आई, अब सरकारें आती जाती रहती हैं, सत्ता परिवर्तन होते रहता है, लेकिन एक सरकार का जो अधूरा काम था उसको अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इस सरकार की थी, लेकिन इस सरकार ने वहां ताले लगवा दिए बाबा साहब की परिनिर्वाण स्थल पर, वहां की बिजली कटवा दी, वहां घास उगने लगी, वहां कोई चौकीदार नहीं और वहाँ एक प्रकार से वो इतना पवित्र स्थल जो देश के करोड़ों दलितों का भाग्य निर्माता का स्थल है, हमारी प्रेरणा और शक्ति। एक सुधार करना चाहूंगा, जो आप कह रहे हैं कि बाबा साहब दलितों के प्रेरणा स्थल, प्रेरणा प्रतीक, दलितों के क्यों, पूरे देश के क्यों नहीं, 125 करोड़ के क्यों नहीं? मैं बाबा साहब अम्बेडकर तो सभी के लिए आदरणीय है, उनकी स्मृति अक्षुण है, तो इतना संकीर्ण क्यों बनाते हैं आप कि वो दलितों के ही नेता? नहीं, मैं हम लोग इस बात को बड़े शिद्दत के साथ कहते हैं कि बाबा साहब के अपने जीवन काल में हम उस दौर को देखें जब आज उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह जी की बहू चुनाव में खड़ी हुई तो उनके खिलाफ किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया,
और जब बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन में बंबई लोकसभा से और उसके बाद भंडारा लोकसभा से चुनाव में खड़े हुए, यही बात हमने सारे पार्टियों के नेताओं से कही थी, हमारे उस समय के जो कार्यकर्ताओं ने कही थी, नेहरू जी से कही थी कि आप वहां उम्मीदवार मत खड़ा करें। लेकिन इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने श्री काजोलकर जी को बंबई से खड़ा किया और श्री भाऊराव बोरकर को भंडारा से खड़ा किया और बाबा साहब को इन्होंने चुनाव में पराजित कराया। हमारा इसलिए कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम और स्मृति और उनकी प्रतिभा अगर भारत में जिंदा है तो वो चुनाव तो बड़े बड़े लोग भी हारे हैं, इंदिरा गांधी हारी है, इंटेंशनली बाबा साहब को इंटेंशनली चुनाव हरवाया गया। इसलिए हम इस बात को बड़ी पुरजोर ताकत से कहते हैं कि बाबा साहब सबके नेता हैं जी, हम दलितों के नेता नहीं, पूरे भारत के नेता है। संविधान उन्होंने केवल दलितों के लिए नहीं लिखा है, पूरे देशवासियों के लिए लिखा है। लेकिन बाबा साहब के नाम को, स्मृति को और उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का और उनकी स्मृति को जिंदा रखने का, इतिहास को जिंदा रखने का काम अगर है तो वो केवल दलितों की वजह से। कई बार लोग कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर बड़े विचारक थे, लेखक थे, शिक्षक थे, अर्थशास्त्री भी थे, उन्होंने किताबें लिखी, किताबें संपादित की हैं, एक बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट, क्या कहना चाहिए, मानव विज्ञानी भी हुए थे। इतना सब होने के बाद भी आज क्यों आरक्षण के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्यों ये कहना पड़ता है कि आरक्षण करो? एक साथी ने कहा कि 6 दशक से भी ज्यादा हो गए हैं, अभी भी आरक्षण जरूरी, इसका मतलब आरक्षण का लाभ दलितों को नहीं मिल रहा है। तो वो जानना चाहते थे कि आखिर कितने हजार साल तक आरक्षण कर दिया जाए तो दलित सवर्णों के बराबर हो जाएंगे। इसका एक छोटा सा जवाब है कि जब तक दलित जी सवर्णों के बराबर देश में हिस्सेदारी में नहीं आ जाता तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। हाँ। एक दूसरा, आजादी की लड़ाई के दौरान हमारे देश के दलित संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भाग लिया, लड़ाई लड़ी, और जब मोहम्मद अली जिन्ना जी के नेतृत्व में और कुछ हमारे मुसलमान भाई, सारे मुसलमान भाई नहीं, उन्होंने कहा कि हमको अलग देश चाहिए, हमको अलग संसद चाहिए, अलग प्रधानमंत्री, अलग उनकी विधानसभा, अलग राष्ट्रपति, और बाबा साहब के पास भी ऐसे अनेक राज्यों से कुछ दलित संगठनों ने प्रस्ताव रखे थे और यहां तक कि अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रस्ताव भी रखा था कि आप क्यों ये दलित स्थान की मांग करते हैं। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि ये मेरी मातृभूमि है और मैं इसके बंटवारे के पक्ष में नहीं हूं। और उन्होंने तो थॉट ऑन पाकिस्तान एक बड़ी किताब लिखी है जिस पर इस बंटवारे के लेकर के उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी उसमें जाहिर की है। विशेषकर मैं ये बताना चाहता हूं कि आरक्षण जो हमको मिला है अगर उसके मूल में जाएं, लिखत पढ़त में देखेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन मूल भावना यह है कि आरक्षण हमें मिला है वो इसलिए कि हमने इस देश के दलितों ने, जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाबा साहब थे उसमें भी ये कहा गया कि ये हिंदुओं ने आपके साथ अच्छा व्यवहार भारत में नहीं किया है, तो बाबा साहब ने कहा कि अंग्रेजों तुम पहले भारत को आजाद करो, ये हिंदू और दलित या शूद्र की जो लड़ाई है ये हमारे घर परिवार की लड़ाई है और हम तो आजादी मिल जाएगी तो हम इस घर परिवार की या छोटा बड़ा या ऊंच नीच की लड़ाई तो हम बैठ के आपस में निपटा लेंगे, लेकिन तुम इस बारे में हमको हमें ज्ञान मत दो। हाँ, ज्ञान मत दो। और ये जो आरक्षण मिला है, मैं बड़ी स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि अलग देश दलितों ने नहीं मांगा, उसकी एवज में दलितों को ये आरक्षण मिला है। बात और कही जाती है कि दलितों में भी कुछ सवर्ण दलित हो गए, जो दलित ऊपर हैं, जो पढ़ लिख गए, अधिकतम फायदा आरक्षण का वही उठा रहे हैं। पिता कलेक्टर है, बेटा जज है, बेटी दूसरी आईपीएस आईआरएस हो गई, लेकिन जो दलित वास्तव में पिछड़े हैं, जो वन में रहते हैं, गांव में बस्तियों में रहते हैं, उनके उद्धार के लिए वो काम नहीं हुए। आप क्या कहेंगे? मैं आपकी बात से इस बारे में सहमत हूं कि अभी हमारे यहाँ जो एक एक बाबा साहब के समय से भी और बाबा साहब के नहीं रहने के बाद भी जी माननीय कांसीराम जी के समय भी बात उठी, एक मनवादी शब्द आया बाजार में और आज जो हमारे लोग मनवादी मनवादी कह के जो एक व्यवस्था के खिलाफ ताने देते रहे, लड़ते रहे,
चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन जो आरक्षण की वजह से हमारे समाज में, चाहे वो राजनीति में लोग एमएलए एमपी मंत्री बन गए हों या सरकारी ओहदे में लोग इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर एसपी बन गए हों, वो जो आज इन ओहदे में होने के बाद वो जो अपने समाज के छोटे लोगों से, गरीब लोगों से जो दूरी बना के रह रहे हैं, कटते हैं जी, ये जो उनके बीच में यही तो मनवा, जबकि उन्हें झंडा बर्दारी करनी चाहिए थी उनकी, हाँ। उन्हीं के समाज के, समाज तो हमारे ही, हमारे दलित समाज के अंदर जो ये मनवादी पैदा हो रहे हैं, ये जो अपने आप को ऊंचे कहने वाले और अपने समाज के लोगों को नीचा कहने वाले या उनसे अपने रिश्ते अलग करने वाले जो लोग पैदा हो रहे हैं, ये मनवाद हमारे दलित समाज के अंदर बहुत ही आत्मघाती कदम है। एक बात आपने आज कही और मैं एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ आपसे कि ये जो अंबेडकर जी की दिल्ली की परिनिर्वाण भूमि को गांधी समाधि राजघाट के बराबर का दर्जा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर नरेंद्र जाधव जो प्लानिंग कमीशन के मेंबर हैं उनकी चेयरमैनशिप में एक 12 एक्सपर्ट लोगों की कमेटी बनाया और उसमें लगभग 10 लोग दलित प्रोफेसर हैं जी, जो जिसको हम लोग विद्वान मंडली कहते हैं, ये उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है जिसमें रिपोर्ट में उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को राजघाट जैसा दर्जा देने से इनकार कर दिया, जिस रिपोर्ट में उन्होंने गांधी समाधि 50 एकड़ जमीन पे, बाबा साहब की 1.5 एकड़ जमीन पे, हमने आजू बाजू के बंगले भी मांगे थे, उस बंगले को लेने से उस कमेटी ने इनकार कर दिया। किन लोगों के बंगले के हमारे आसपास किन लोगों के बंगले हैं, क्या वो भी प्रभावशाली लोग हैं जिंदल परिवार? नहीं, जिंदल जी से उतने प्रभावशाली लोग नहीं है, उसमें तो कुछ सरकारी बंगले भी हैं, विधानसभा सरकार चाहे तो आराम से दे सकती है। स्पीकर साहब का बंगला, स्पीकर साहब खाली करने तैयार है जी। तो मेरा यह कहना है कि हमारे समाज के इन पढ़े लिखे लोगों को जब प्रधानमंत्री जी ने एक्सपर्ट कमेटी में रखा था तो ये सरकार के चाटुकार निकले, क्योंकि सरकार आगे इनको कोई ना कोई तमगा देगी जी, तो इसीलिए इन्होंने बाबा साहब को पूरा सम्मान देने का इनको बड़ा गोल्डन चांस, सुनहरा मौका मिला था और इन्होंने सरकार की चापलूसी करके उसको गवा दिया। अब जो ऐसे पढ़े लिखे लोग हमारे बीच में हैं तो एक प्रकार से ये मनुवादी लोग बन गए हमारे समाज में, और इसलिए दलित समाज के बारे में कहना चाहता हूं आपसे कि दलित समाज की लड़ाई लड़ने वाले और बाबा साहब के नाम को जीवित रह के उनके विचारों को चलाने वाले, ये हमारे दलित समाज के जो बोलते हैं ना सुपर और हायर, वो नहीं है वर्ग के लोग नहीं है, जो बड़े ऊपर ऊंची पोजिशन में आ गए हैं। अगर ये काम हो रहा है तो ये केवल हमारे यहाँ का जो दलित का समाज का जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, उनकी वजह से बाबा साहब का मिशन आ, जो लोग दलित होने की वजह से मंत्री बने हैं, अफसर बने हैं, बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचे, वही अपने समाज के लोगों का ध्यान नहीं रखे, इससे बड़ी दुखद बात है, बहुत दुखद बात है। और मैं आपको कह दूं कि मैं अभी 4 दिन पहले आगरा में था, आगरा में बाबा साहब ने अपने जीवन का आखिरी भाषण दिया था और उसमें ये कहा था कि मेरे मिशन को, बाबा साहब ने कहा था कि मेरे मिशन को और मेरे समाज को सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी ने दिया है तो मेरे ही समाज के इन पढ़े लिखे लोगों ने दिया है और देंगे। कई लोग जो मनुवाद की बात करते हैं, उन्हें यह भी नहीं पता कि मनु कोई ब्राह्मण व्यक्ति नहीं था, वो क्षत्रिय राजा था, लेकिन उसने जो व्यवस्था दी उसके कारण मनुवाद पला बढ़ा। अब हमारी सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने एक निगम बनाया है, अनुसूचित जाति विकास वित्त विकास निगम, आपको उसका प्रमुख बनाया गया है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, आपका ये निगम क्या कर रहा है कि ये भी मनुवादी हो गया? नहीं, मैं आपके पहले, सबसे पहले मनु महाराज क्षत्रिय थे जी, इस पर मैं अपनी बात थोड़ा सा कहना चाहूंगा, फिर मैं अपने निगम पे आऊंगा कि गौतम बुद्ध कौन थे। गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय थे जी, और गौतम बुद्ध कोई वाल्मीकि समाज के या दलितों के अन्य जातियों में तो पैदा नहीं हुए थे, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने हमें बौद्ध धर्म दिया जी, और एक क्षत्रिय राजकुमार को हमारा आराध्य देवता के रूप में हमारे बीच में उन्होंने स्थापित किया। तो ऐसा नहीं है कि बाबा साहब ने इस बात को कोई बढ़ावा दिया हो, और ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है कि जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने ब्राह्मण महिला डॉक्टर सविता कबीर से विवाह किया जी, तो हम बाबा साहब के अनुयायी है, बाबा साहब अंबेडकर हमें से जातिवादी लोग। फिर आपने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंदौर में कहा कि राहुल गांधी भले ही दलितों के यहाँ भोजन कर लें, उनके यहाँ खाना खा लें, उनके यहाँ रात्रि विश्राम कर लें, लेकिन उन्हें दलितों का उद्धारक या दलितों का शुभ चिंतक नहीं कहा जा सकता, क्यों? नहीं, वो चूंकि ये मेरी पत्रकार वार्ता का आज हिस्सा नहीं था, लेकिन चूंकि एक हमारे बड़े
खास संवाददाता महोदय ने हमको ये प्रश्न पूछा तो हमने कहा कि अभी चार दिन पहले लखनऊ में मेरी बड़ी सभा थी जी, वहां भी मैंने इस बात को उल्लेख किया था और आज भी मैंने फिर उनको ये जवाब दिया कि राहुल जी हमारे दलित परिवार के यहाँ रोटी खाते हैं और उसको पूरे करोड़ों रुपए के साथ में चैनल लाइव टेलीकास्ट के लिए लेकर जाते हैं और देश में दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो राहुल जी दलित के यहाँ खाना खा रहे हैं, दलितों के बड़े शुभचिंतक हैं। मेरा उसमें केवल इतना जोड़ना था, हमारे बचपने से हम गांव में बुजुर्गों की ये मुहावरे को सुनते आए हैं कि रिश्ता जो मजबूत होता है वो रिश्ता होता है रोटी और बेटी से। तो मैं नेशनल दलित महापंचायत रिश्ता भारत और इटली का हुआ है तो मैं एनडीएम का नेशनल दलित महापंचायत का चेयरमैन हूँ भारत पूरे देश का, और मैंने ये प्रस्ताव दिया है कि राहुल जी को दलित की बेटी से विवाह कर लेना चाहिए और इस रिश्ते को जैसा रोटी और बेटी का रिश्ता है मजबूत करना चाहिए। माननीय श्रीमती इंदिरा जी ने माननीय सोनिया जी को स्वीकार किया बहू के रूप में, माननीय मेनका जी को स्वीकार किया उन्होंने, कितने विचार आपके, सोनिया जी को भी अपने बहू के रूप में दलित की बेटी को स्वीकार करना, कितने अच्छे विचार आपके हैं। रामविलास पासवान जी ने दलित से शादी नहीं की है ना, उनकी पत्नी सवर्ण जाति की है, हमारे इंदौर के विधायक तुलसी सिलावट जी उनकी पत्नी दलित नहीं, सुशील कुमार शिंदे जी, सुशील कुमार ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दलित, प्रकाश अंबेडकर जी जो बाबा साहब के पोते हैं। हाँ तो आप बाबा साहब अंबेडकर अगर दलित होते हुए दलित से शादी न करें तो ठीक है, लेकिन आपकी अपेक्षा है कि राहुल गांधी दलित से शादी करें। हाँ हमारी ये है। अच्छा ये आपका इससे एक अंतर जातीय विवाह को भी प्रोत्साहन मिलेगा जी जी, और देश में चूंकि आपके बेटों की शादी हो गई। हाँ मेरे बेटों की शादी अभी एक की हुई है। आप किससे करेंगे? नहीं हो गई, हो गई, किससे? हाँ। हुई है नहीं, मैंने हमारे यहाँ जो हमने तो बाबा साहब की महर जाति से हूँ, लेकिन जो हमने बेटे की शादी की है अभी, जिनको मेरे पास मैंने सारी शिक्षा दीक्षा दी और उसको एक काबिल बनाया, तो जो ये चर्मकार समाज जो होते हैं जी, उस समाज की मैंने अपने घर में बहू लाया है और मुझे बड़ी खुशी है कि वो बहू हमारी जो है बहुत ही सक्षम है, दक्ष है और बहुत प्रतिभाशाली है, और एक रिश्ता हमने जाति के अंदर जाति तोड़ने की शुरुआत की है जी। ये जो आपने निगम है, ये निगम क्या कार्य कर रहा है, उसके जरिए आप क्या बदलाव ला चुके हैं और क्या लाना चाहते हैं, ये आखिरी सवाल मेरा। देखिए मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम का मुझे दूसरी बार चेयरमैन बनाया गया है, सरकार ने कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दिया है। मेरा पिछले कार्यकाल में मैंने 100-100 करोड़ रुपए के बड़े बड़े मेले लगवाए कई अनेक जगह, ग्वालियर भोपाल में, और हजारों लोगों को मैंने वहां गाड़ियों की चाबी, उनके रोजगार के चेक वहां दिए। इस कार्यकाल में भी मैं देना चाहता था, और चूंकि एक मेरी बड़ी इस बारे में आपत्ति है कि जितनी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि दलितों का लिए योजनाएं चलाए, उनका उत्थान करे, उद्धार करे, उतनी जिम्मेदारी भारत सरकार की भी है, और भारत सरकार जब राज्यों की योजनाएं हमारे निगम को देती है, पैसा देती है चलाने के लिए, तो वो राज्य से गारंटी मांगती है, और ये गारंटी की बाधा की वजह से अभी राज्य सरकार ने गारंटी दिल्ली भेजा नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो गारंटी भेज देंगे, जब यहां से गारंटी चले जाएगी तो केंद्र का पैसा आएगा। तो मैंने केंद्र सरकार से मैंने आग्रह किया है कि ये केवल मध्य प्रदेश नहीं, भारत के तमाम राज्यों की तरफ से आवाज आई है कि हम आपकी योजनाओं को चला रहे हैं तो आप हमसे गारंटी क्यों लेते हैं, तो ये गारंटी की बाधा खत्म होनी चाहिए। और अनाल फीताशाही उनके विकास में बाधक बनी, बिल्कुल बनी हुई है, और हमने ये बात अभी चूंकि मुकुल वासनिक जी सामाजिक न्याय मंत्री नहीं रहे हैं, शैलजा कुमारी जी सामाजिक न्याय मंत्री बनी, उनके जानकारी में भी लाएंगे राज्य से, जरूर हमने अभी कुछ नई योजनाएं बनाई है, मुख्यमंत्री आर्थिक विकास योजना हमने अभी बनाई है, और उसमें हमने जो है वो 10 लाख रुपए हितग्राही को देने तय किया है, मंजूर हो गई है, और उसमें 30% की हमने सब्सिडी यानी 10 में से 3 लाख रुपए अनुदान देंगे, और इस प्रकार की योजना अभी हम मध्य प्रदेश में क्रियान्वित करने जा रहे हैं। इंद्रेश जी आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमसे बातचीत की, बताया कि किस तरह मध्य प्रदेश के विकास के लिए आप कार्य कर रहे हैं जिसमें दलित भाई भी शामिल हैं। हम आपकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, हम भी चाहते हैं कि नई दिल्ली में बाबा साहब के परिनिर्वाण भूमि पर भव्य
स्मारक बने। हम भी चाहते हैं कि दलित भाइयों का विकास हो, क्योंकि अगर एक घर में चार भाई रहते हैं और एक भाई तरक्की ना कर पाए तो वो घर, वो परिवार कभी आगे नहीं जा सकता। आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमसे बहुत अपनी बातें विचार शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका, पूरे मध्य प्रदेश वासियों का। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।